बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन क्लास अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सफ़ा नंबर 55 की पढ़ाई करेंगे। जल्दी से सफ़ा नंबर 55 खोलिए। सफ़ा नंबर 55 पे हम पढ़ेंगे कवायद, और इसमें कवायद जो है वो है वाहिद जमा। वाहिद की तारीफ क्या है? एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। इस सफ़ा पर पहले हम वाहिद के बारे में पढ़ेंगे। ये देखें, तस्वीर में सिर्फ एक बाजा आपको दिखाई दे रहा है। तो एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, तो बाजा क्या है? वाहिद है, क्योंकि ये अकेला है। इसके बाद नीचे तारा बनाया गया है, तारा भी देखें, ये भी एक है, तो ये भी वाहिद है। इसके बाद मोज़ा बनाया गया है, मोज़ा भी वाहिद है, क्योंकि ये एक है। इसके बाद जाला बनाया गया है, ये भी एक ही है, वाहिद है। इसके बाद आपको करना ये है कि ये वाहिद है, आप लोगों ने इनके जमा लिखने हैं। तो जमा बनाने का आसान तरीका इस पेज पे जो है, जमा बनाने के और भी तरीके हैं, लेकिन इस पेज पे हमें जो तरीका बताया गया है वो ये है कि हम अलिफ की जगह बड़ी ये लिखते, तो हमारा जो है जो वाहिद लफ्ज़ है वो जमा में तब्दील हो जाएगा। जैसे ऊपर पेज में किया भी गया है बाजा, तो अलिफ को हटा कर आखिर में बड़ी ये का इस्तेमाल किया गया है। लफ्ज़ बाजा से बाजे बन गया है, क्योंकि ये अकेला था तो बाजा था, वाहिद था। एक दो तीन, ये तीन बाजे हैं तो जमा है, बाजे की बाजा की जमा बाजे। तारा, ये यहाँ पे अकेला है, एक है तो ये वाहिद है। यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, ये पांच तारे हैं, मतलब ये एक से ज़्यादा हैं, जमा है, तो तारा की जमा तारे। अलिफ को हटा के बढ़िए, ते अलिफ तार रे बढ़िए रे तारे, तो ये तारा की जमा तारे। मोज़ा, ये अकेला है इसलिए वाहिद है, एक है वाहिद है, तो अब हम इसको काउंट करें अगले मोज़ों को, एक दो तीन, ये तीन है, एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है ये जमा है। तो मोज़ा को जमा बनाने के लिए हम इसका अलिफ हटा कर बढ़िए लगा देंगे, मीम व मो से बढ़िए जे, मोज़े। जाला, ये एक जाला है, इसका मतलब है ये वाहिद है, ये काउंट करते हैं, एक दो तीन, ये तीन जाले हैं, तो इसको जमा बनाने के लिए भी इसका अलिफ हटाकर इस साथ बड़ी ये जोड़ देंगे, जी मलिफ जा लम बड़ी ले जाले। बाजा की जमा बाजे, तारा की जमा तारे, मोजा की जमा मोजे, और जाला की जमा जाले हैं। इसी पे जुमले में वाहिद के साथ है आता है और जमा के साथ हैं लिखते हैं। ये एक बाजा है, क्योंकि ये एक है, वाहिद है। ये दो बाजे हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तो ये जमा है। अब है सवाल नंबर तीन, लिखिए। नंबर एक पे है, वो अली के मोज़े हैं, क्योंकि मोज़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया, मोज़े इस्तेमाल किया गया, इसमें ये जमा है, उसके साथ हैं का इस्तेमाल करेंगे। नंबर दो पे है, मेरी टोपी पर तारा, लफ्ज़ पे गौर करें, तारा, तो ये वाहिद है, तारा है। नंबर तीन पे, अबू के पास ताले हैं, लफ्ज़ ताले जमा है, उसके आखिर में क्या लगाएंगे, अबू के पास ताले हैं। ये मेरे बाजे हैं, क्योंकि ये दो हैं, तो यहाँ पे ये मेरे बाजे हैं। तस्वीर देखनी है, उस तस्वीर का नाम, जो तस्वीर बनी हो वहाँ पे नाम, यहाँ पे नाम लिखना है लाइन पे, और फिर है का बाद में देखना है कि यहाँ पे क्या लगेगा। वो दो तोते हैं, तोता एक नहीं है, दो हैं, एक दो, वो दो तोते हैं। अब देखिए, मुर्गा, मुर्गा एक है, वो एक मुर्गा है, क्योंकि मुर्गा वाहिद है। इसके बाद सवाल आखिर में, जो हमारा सवाल है, आप लोगों ने ये काफ़ी में अच्छे से लिखना है, इन अल्फाज के जमा बनाइए। इस पेज में हमें जमा बनाने का तरीका जो है वो अलिफ को हटाकर बढ़िए लगाने से जमा बन जाएगा। तो इसमें आप देखें, जोड़ा, जोड़ा का अलिफ हटाकर आप बढ़िए लगा दें तो जोड़ा की जमा जोड़े बन जाएगा। लोटा, लोटा के आखिर में अलिफ का हर्फ है, इसको हटा दें तो आप बढ़िए लगा दें तो ये लफ्ज़ लोटा से लोटे बन जाएगा, जो कि जमा है। मुर्गा, मुर्गा के आखिर में कौन सा हर्फ है, अलिफ, अलिफ को हटा के आप अगर लाइन के साथ बढ़िए जोड़ दें तो मुर्गा से लफ्ज़ मुर्गे बन जाएगा, जो कि मुर्गा की जमा है। इस बात बकरा, बकरा के आखिर में अलिफ है, अगर आप अलिफ को हटा कर बढ़िए लगा दें तो लफ्ज़ बकरा से बकरे बन जाएगा, तो इस तरह बकरा की जमा बकरी है। उम्मीद है कि आज का ये सबक वाहिद जमा आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।